हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली अभी बज रहे हैं रात के कितने रात के वेट अभी बज रहे हैं रात के 2:30 ढाई बज रहे हैं। और मेरी आंखों में देखिए नींद जो है ना वो पूरी उड़ चुकी है, क्योंकि मुझे आया था मेरे भाई का कॉल। मुझे आ रही थी एक्चुअली नींद, ठीक है, और मैं ऐसे लेट लेट के कुछ मैं बुक क्या कुछ देख रही थी, और फिर मैं मतलब हल्का झपकी टाइप जो होता है ना वो हुआ, फिर आ गया मेरे भाई साहब का कॉल, और फिर उस कॉल से मैं उठ गई। उसके बाद फिर मैंने मुंह धुला और फिर तो मेरी नींद ऐसे छूमंतर हो गई है कि मतलब अभी तक मेरे को नींद नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि अभी रिसेंटली कोई व्लॉग नहीं आया है, और मैंने जो व्लॉग शूट किया था थोड़ा बहुत संडे का, वो मैंने अभी तक डाला नहीं है, तो उसका मैं ओपनिंग अभी ले रही हूँ। आज है ट्यूसडे, अभी वेंसडे शुरू हो गया है क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। हाँ, तो वो मैं यहाँ पे आगे ऐड करूँगी, और आई गेस ज़्यादा नहीं है, वो छोटा सा ही ब्लॉग होगा, बट रेगुलरिटी इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट, वरना मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मेरे को होना चाहिए, वरना ये बहुत ही बुरी हैबिट होती है लाइफ में। अगर आपको कॉलेज में हमेशा हम सोचते थे कि जिस दिन कॉलेज से आएंगे उस दिन का उस दिन पूरा कंप्लीट कर लेंगे पढ़ाई लिखाई, तो फिर ऐसे हमें लास्ट में बर्डन नहीं होगा, बट ऐसा कभी नहीं। हर सेम के स्टार्ट में मुझे पता है मैं और मेरी रूममेट काजल हम दोनों डिसाइड करते थे कि साल पूरे साल स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ा जाएगा, आई मीन सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, सेम के स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग से पढ़ा जाएगा, तो लास्ट में हम लोग को रोना गाना नहीं पड़ेगा कि हड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हर बार का यही होता था हमारा कि हम लोग रात में यार अभी मतलब जब 2 दिन बच रहा है एग्ज़ाम के, ठीक है, तब हम शुरू करते थे, उसमें भी हमारा मन नहीं लग रहा है। जब तक आपके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ना बचे ना कि कल एग्ज़ाम है, तब तक तो मतलब बस ऐसे ही होता रहता है। तो फिर हम लोग पढ़ते थे एकदम जोर शोर लगा के, फिर रोग आके कैसे भी हाँ 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 ये वो हेन तेन कैसे कर लो, क्योंकि हमारी ब्रांच जो थी ना वो थी ईसी। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर वो ईसी से है तो दे कैन डेफिनेटली रिलेट कि मैं क्या कह रही हूँ, वो मेरा दुख समझ सकते हैं। सारे ईसी वाले यहाँ पे मेरा दुख समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। वैसे ऐसा भी कुछ नहीं था, अच्छा था, बट हाँ इसी इज़ लाइक थोड़ा वो माना जाता है कि जो ट्रिकी रहता है या जो भी बोल लो। तो बाकी नंबर तो हमारे अच्छे खासे आ ही जाते थे, उसमें कोई इशू नहीं था, बट हाँ डर बहुत लगता था एग्ज़ाम के पहले। हम मैं काजल अपेक्षा तो भाई ऐसे ऐसे ट्रिक्स चीज़ें कभी कभी मान लो आपको नहीं है कुछ कुछ लास्ट पॉइंट पे है आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ है या जो भी, तो उसके लॉजिक्स भैया क्या तो लड़की समझाती थी। अपेक्षा अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो, याद आया कुछ? तो बस चलिए फिर आज चलते हैं, देखते हैं कि संडे को हमने क्या क्या करा था। बाय द वे और ये मेरी हेयर स्टाइल देखिए, मैंने कुछ नया रात में भाई से बात करते करते बनाया है, कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा था, बट मेरे दोस्तों ने बोला कि तू इसे बाहर नहीं जा सकती, और अब मैं ऐसे बाहर जा के दिखाऊंगी। क्यों नहीं जा सकती भाई, मेरा मन मेरे बाल है ना। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो व्लॉग उस दिन क्या हुआ था, क्या क्या किया था। ये रूम की सफाई शक्ल छुपाते हुए, और ये आ गया फाइनली हमारा खाना जो कि हमने मंगाया है गोपाल जी कैफे से, देखते हैं वो कैसा है और आपको रिव्यू भी देते हैं। मीनवाइल बच्चे को काम करते हुए देख लीजिए। प्राची इतना शर्मा के काय झाड़ू लगा रही हो प्राची। होने जा रहा है हमारा खाना अनपैक, और इसमें हम बनाएंगे अपनी पापड़ी चाट, हमने चाट मंगाई है। क्या निकलता है? चटनी, ये चाट वाला आइटम होगा। दिस इज प्याज मिर्ची टाइप समथिंग, दिस दही, ये चाट का आइटम है सब। पिकल्स, एक्स्ट्रा पिकल मंगाया था हमने मिर्ची का। जहाँ भी खट्टा दिखाता है हमारे मुंह से बन जाता है ना। आहा, और ये है फाइनली हमारा चाट जिसको हम इसमें डालेंगे, फिर ऊपर से सब कुछ दही वही सब ऐड कर देंगे। ये देखिए ये है हमारा चाट वाला आइटम। ये आ रहा भटूरा, हमने नटराज कैफे का खाया हुआ, देखते यहाँ का कैसा है। ये स्टफ नहीं है शायद, ये है
स्टफ नहीं है ये, तो आई वुड प्रेफर नटराज का भटूरा। यू हैव टिश्यू? मैडम को टिश्यू चाहिए, तेल निकालेंगी। पर ठीक है भटूरा, पर ये भी है ना कि हम लोग जैसे नटराज का मंगाए तो उसमें पनीर स्टफ था, पर उसका टेस्ट अलग है बिना स्टफ का भी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छा है ये खराब। सब अपना अपना टेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी पनीर ऑप्शन था, हम लोगों ने प्लेन मंगाया, हम भूल गए थे ये लाइन, अभी याद आया मेरे को, शायद था और हमने बिना पनीर का मंगाया है क्या, कि नॉर्मल भटूरे का टेस्ट चाहिए वैसा समथिंग। नहीं था, ऑलिव ऑयल का था, ऑलिव ऑयल ओके भाई। हम ऐसे प्राणी नहीं है कि हम इतना ऑलिव ऑयल और ये सब नॉर्मल जो खाते हैं वही ना खाएंगे, देसी इंसान। और तेज बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी वीडियो में, बहुत गर्म है और इसलिए खुल नहीं पा रहा। ये हमारे घर से कितने किलोमीटर दूर है? दो नहीं है, 2 किलोमीटर से भी कम, क्योंकि ये ब्रुकफील्ड में ही दिखा रहा है। स्पून से टेस्टी आई थिंक, पनीर भी है इसमें, बट ये चने का छोला है और ये आलू है। नहीं चने का नहीं, ये काबली चना ही है। हाँ वो ज्यादा काला बनाते हैं। ब्लैक क्यों है इतना? काबली चना ब्लैक नहीं होता ना, उसमें ब्लैक नहीं, जो छोले को बनाते हैं तो उसमें जो गरम वो सब मसाले काले में सब नहीं पोटलियों बांध के डालते हैं काला टेक्सचर लाने के लिए, अच्छा है। इट इज वेरी स्पाइसी एंड गुड, बट आई डोंट नो ये छोला है क्या। भाई एक रिव्यू तो आ गया है कि नटराज जितना टेस्टी हमें नहीं लगा, वहाँ का छोला ज्यादा टेस्टी था। और बाकी सब चीजें यम्मी दिख रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे खोलना है। सीजर दूं क्या? प्राची का सीजर, प्राची के दांत। इजी पीजी, इजी पीजी तो हमारे उसका वो है, पीजी का रेंट पे करते हैं। छोले में बहुत ज्यादा मसाला डाला है शायद, बहुत स्पाइसी है, पर हमें लगता है क्या पता आज का उतना अच्छा ना हो वैसे नॉर्मली, क्योंकि फ्रेंड लोगों ने रिव्यू दिया बहुत अच्छा होता है, तो वी आर नॉट श्योर। आई डोंट नो हाउ टू ओपन दिस सुशी। ये इधर से खुलेगा, ग्रीन चटनी। इसको इसमें ट्रांसफर करें क्या, कैसे? बट ये वैसे ही सेट करके दिया, उल्टा होगा हमारे साथ, हमारा ये जो भी आइटम है नीचे चला जाएगा। एक चम्मच का है, देखिए क्या कर रही है छोरी। अरे छोड़ो, गिराओ, सब मिक्स करके खाना है। प्लेटिंग की ध्यान आज हम नहीं दे रहे, क्योंकि हम खुद मास्टर शेफ नहीं बन रहे हैं, खुद बनाते हैं कोई चीज़ तो बनते हैं। पापड़ी चाट में आलू नहीं रहता क्या? नहीं, ये डाल दे। भुजिया नहीं ना, भुजिया डालते हम लोग इसके ऊपर से, अच्छा लगता है। और साथ में इसके ऊपर जाएगी हमारी रेड और ग्रीन चटनी, ये तो टेस्टी होगा आई गेस, बहुत अच्छे। बनाना चाहिए ऐसा, ब्लेंडर नीचे रख दिया, अरे पगला है। खा के बनाना चाहिए था ये ना। खा ले अभी ये पहले। हाँ खटाखट खा लेते हैं, तो चलिए आपसे मिलते हैं खाने के बाद। इसमें डाले या नहीं? तो ये था हमारा संडे का छोटू सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।